Hi guys, we are still continuing with the standard costing super quick revision. We all have done material, we all have done labor, we all have done variable factory overheads, we all have done fixed factory overheads, we all have done sales variances, we all have done profit variances. And fixed overheads and profit variances we all have done under absorption costing, we all have done under marginal costing. So what next? So what next? This is one important part. जहाँ पर आपका जो variances होता है under different heads, they all share the same bracket. I want all such variances जिनके अंदर bracket हमेशा irrespective of any situation हमेशा same ही रहेगा. That is whatever I'm trying to do right now. Okay, तो सुनिए. In this case, so I'm going to be covering up two parts over here. And these two parts are basically all about, in this case, relationship between different variances. And this is important part, I think also for case studies, interpretation of profit mix and sales mix variances. Okay? So let us start the things now. So now, listen. Now, first relationship. Agar kabhi एक ही प्रोडक्ट हुआ, सपोज कंपनी ओनली मेक्स एंड सेल्स वन सिंगल प्रोडक्ट, दैट वन सिंगल प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट एक्स, नो अदर प्रोडक्ट. ठीक है, नो अदर प्रोडक्ट. सो देन टू वराइंसेज विच आर रिलेटेड टू ईच अदर विल बी प्रॉफिट वॉल्यूम वराइंस एंड सेल्स वॉल्यूम वराइंस. याद करो, प्रॉफिट वॉल्यूम वराइंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज सेल्स ग्रॉस मार्जिन वॉल्यूम वराइंस. और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम वराइंस. ओके, तो सुनो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ना, प्रॉफिट वॉल्यूम वराइंस कैसे कंप्यूट होता है? कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा इनटू स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट पर यूनिट. आगे चलते हैं, सेल्स वॉल्यूम वराइंस कैसे कंप्यूट होता है? कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस कितना यूनिट्स बेचा इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस. जरा याद करो, इफ एवर टू वराइंसेस शेयर द सेम ब्रैकेट, we say they are related to each other. They are related to each other how? Something like this. That, zara socho, aapko koi question ke andar kuch aisa data diya, dhyan se sunna. Aapko bola, standard selling price is 20, okay? Aapko ye bola, standard net profit per unit 5 hai, theek hai? Toh standard net profit 5 hai, aur ye wala figure 20 hai. और फिर आपको बोला कि ना प्रॉफिट वॉल्यूम वराइंस निकाल के दो, गिवन दैट सेल्स वॉल्यूम वराइंस इज 1000 एडवर्स. ठीक है, तो हम लोग सिंपली क्या बात कर लेंगे एंड दैट थिंग विल बी प्रॉफिट वॉल्यूम वराइंस ऐसे कंप्यूट होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्स वॉल्यूम वराइंस ऐसे कंप्यूट होता है. आपके पास सेल्स वॉल्यूम वराइंस तो है, लेकिन आपको कौन सा वाला वराइंस चाहिए? प्रॉफिट वॉल्यूम वराइंस. तो फिर क्या करेंगे? सिंपल ट्रिक है. And that trick is, if both of them have the same bracket, and if this figure is 1/4 of this particular figure, this variance will also become 1/4 of this particular variance. तो अगर आपको बोला जाता है profit volume variance निकालो, लेकिन आपके पास ये वाला quantity नहीं था, ये वाला quantity भी नहीं था, तो फिर आप लोग answer कैसे निकालोगे? तो simple चीज है, फिर आपको sales volume दिया रहेगा. फिर आप सेल्स वॉल्यूम से प्रॉफिट वॉल्यूम निकाल लेना. कैसे? इफ दिस फिगर इज 1/4 ऑफ दिस, ब्रैकेट रिमेनिंग सेम, दिस वराइंस विल आल्सो बिकम 1/4 ऑफ दिस, तो ये वाला वराइंस कितना हो जाएगा बेटा? 250 एडवर्स. दैट्स इट, इट इज दैट सिंपल ओनली. मतलब अगर मैं तुमको मैथ सिखाने के लिए जाऊं तो मैंने क्लासरूम के अंदर तब क्या बोला था, रेशियोज बिटवीन द फिगर्स आउटसाइड द ब्रैकेट will become ratios between the variances also. तो अगर इसका ratio अपना 5:20 था, तो फिर उसका भी जो ratio है, that will become 5:20 only. ठीक है? ये हो गया absorption costing. वैसे अगर आप लोग चाहो, ये मैंने classroom के अंदर भी नहीं किया हुआ, but that's okay. अगर आप लोग चाहो एक formula बना सकते हो. Let's divide this equation. Let's divide this equation by this particular equation. तो अगर मैंने divide किया तो जरा सोचो right hand side पे क्या हो जाएगा? Profit volume variance divided by sales volume variance is equal to, जब मैं divide करूँगा ये और ये तो cancel हो जाएगा, तो this will give you standard net profit divided by in this case standard selling price.
and this upon this will be also nothing but standard net profit ratio of the product. Okay, now ye ho gaya kin dono ke bare mein baat, profit volume and sales volume if there is only one product. Now the same thing but under marginal costing, zyada kuch nahi badalta. Standard profit per unit ke badle mein kya aa jayega, standard contribution per unit. To zara socho, abhi agar hum logo ne divide kiya to yahan par kya aa jayega, profit volume, aap log usko contribution volume bhi bol sakte ho, wo chalega, divided by sales volume is equal to, ye to tum logo ne classroom ke andar likh ke rakha hua hai, that will be this figure upon this particular figure, this figure upon this figure is nothing but standard PV ratio of the product. That's it. Okay, चल। तुम्हारा ये वाला जो काम है, ये हो गया। ठीक है? अभी आगे चलते हैं। सुन। अगर एक प्रोडक्ट होगा, तो याद रखना, सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट वॉल्यूम आर रिलेटेड। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, तो सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिट वॉल्यूम विल बी रिलेटेड प्रोडक्ट वाइज, लेकिन ओवरऑल रिलेट नहीं होगा। तो ओवरऑल कोई वेरिएंस रिलेट हो सकता है क्या? यस, ओवरऑल जो वेरिएंस रिलेट होगा फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, इट विल बी प्रॉफिट क्वांटिटी इन सेल्स क्वांटिटी। क्योंकि याद करो, जब आप लोग ये वाले वेरिएंसेस तक पहुंचते हो, हम लोग तो प्रोडक्ट वाइज बात भी नहीं करते, हम लोग तो ओवरऑल ही बात करते हैं। कैसे? जरा याद करो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, प्लीज एक चीज बिफोर आई कंटिन्यू, वेरिएंसेस आर रिलेटेड व्हेन द ब्रैकेट्स आर सेम। बस तुम्हें ऐसे सारे वेरिएंसेस तुमको बता रहा हूं जहां पर ब्रैकेट हमेशा सेम रहेगा और कुछ नहीं। तो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस, सॉरी प्रॉफिट क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको हम लोग प्रॉफिट सब वॉल्यूम वेरिएंस भी बोल देते हैं। कैलकुलेट कैसे होता है? पूरी कंपनी का कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस पूरी कंपनी का कितना यूनिट्स बेचा इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है? और यहां पर वेरिएंस कैसे, सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस या सेल्स सब वॉल्यूम वेरिएंस कैसे कंप्यूट हो जाता है? ब्रैकेट तो सेम ही रहता है, बट आउटसाइड यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस। ठीक है? तो ब्रैकेट सेम है ना, इफ द ब्रैकेट्स आर सेम, वेरिएंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है? सेम चीज इन दिस केस मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक और चीज यहाँ पे करके वो बता दूंगा जो आप लोगों ने लिखा हुआ था। मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको आप लोग यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन सब वॉल्यूम वेरिएंस भी बोल सकते हो, प्रॉफिट वॉल्यूम भी बोल सकते हो। इट्स ओनली दैट कि मार्जिनल कॉस्टिंग वो होता है तो बाहर कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, तो वी प्रेफर टू यूज अ वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है? ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचा नाउ इन टू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो चलो ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, अगर ये कभी हम लोग कंप्यूट करने के लिए जाएं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इन दिस केस स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी, दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग योर स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है? उसके बाद सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस कैसे कंप्यूट होगा? ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचा इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस। तो स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली कैसे कंप्यूट होगा बेटा? स्टैंडर्ड टोटल सेल्स ऑब्वियसली इन रुपीज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी। ओके, बस। तो अब कुछ ऐसा सोच सकते हो आप लोग, आई एम डिवाइडिंग दिस डेटा बाई दिस पर्टिकुलर डेटा, अगर मैंने इस डेटा को डिवाइड किया, जरा सोचो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। सर ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी तो कैंसिल हो जाएगा, तो अभी क्या बच जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन क्वान्टिटी वेरिएंस, आप लोग उसको प्रॉफिट क्वान्टिटी वेरिएंस भी बोल सकते हो, दैट्स ओके, डिवाइडेड बाई सेल्स क्वान्टिटी वेरिएंस इज इक्वल टू, जब ही डिवाइड किया तो ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल, डिनोमिनेटर कैंसिल, तो राइट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बच जाएगा? स्टैंडर्ड टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, सॉरी स्टैंडर्ड वर्ड लिखना था, स्टैंडर्ड टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय इन दिस केस स्टैंडर्ड टोटल सेल्स। बस इतना कर लोगे, योर जॉब विल बी ओवर। तो स्टैंडर्ड टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन स्टैंडर्ड टोटल सेल्स विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड पीवी रेशियो। बट याद रखना, दिस इज स्टैंडर्ड पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी, स्टैंडर्ड पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी। आप लोगों ने कंपनी का डेटा रिलेट किया है, तो याद रखना
प्रोडक्ट वाइज डेटा रिलेट हो जाता है प्रॉफिट वॉल्यूम और सेल्स वॉल्यूम में, लेकिन कंपनी वाइज डेटा रिलेट होता है इन केस ऑफ प्रॉफिट क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी पर। सो एक रीकैप करता हूँ, इफ देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, प्रॉफिट वॉल्यूम एंड सेल्स वॉल्यूम आर रिलेटेड, रिलेटेड मतलब ब्रैकेट सेम रहता है बस और कुछ नहीं, ठीक है, तो वहां पे हम लोग प्रोडक्ट वाइज रिलेट करते हैं। अगर कुछ फॉर्मूला चाहिए तो प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस अपॉन सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू स्टैंडर्ड नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, एंड यहां पे प्रॉफिट वॉल्यूम अपॉन सेल्स वॉल्यूम विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड पीवी रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर हम लोग अगर चाहो तो यहां पर भी यू कैन ट्राई टू मेक आउट सम फॉर्मूला, लेकिन वो ज्यादा काम में नहीं आता तो इसलिए आई हैव नॉट डन दैट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन क्वांटिटी अपॉन सेल्स क्वांटिटी विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड पीवी रेशियो ऑफ द कंपनी, ठीक है। तुम्हारे बुक्स के अंदर मैंने नोट टू लिखा था फॉर रिलेटिंग प्रॉफिट वॉल्यूम एंड सेल्स वॉल्यूम, नोट थ्री लिखा था फॉर रिलेटिंग प्रॉफिट क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी। सो प्रॉफिट वॉल्यूम एंड सेल्स वॉल्यूम आर रिलेटेड इफ देर इज वन प्रोडक्ट, और इवन इफ देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट रिलेशनशिप प्रोडक्ट वाइज ही आएगा। सेकेंड, इफ देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट प्रॉफिट क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी आर रिलेटेड। अभी लास्ट लिंकिंग एफिशिएंसी वेरिएंसेस, तो सुनो तुम लोगों ने तीन बार एफिशिएंसी वेरिएंसेस किया हुआ है। कौन सा तीन बार? लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर का लास्ट वाला वेरिएंस, लास्ट वाला वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी। सारे के सारे एफिशिएंसी वेरिएंसेस के अंदर, सारे के सारे एफिशिएंसी वेरिएंसेस के अंदर बेटा ब्रैकेट तो हमेशा सेम ही रहता है, ब्रैकेट हमेशा सेम ही रहेगा, दैट इज ओवरऑल कितना यूनिट्स बेचना चाहिए था माइनस इन दिस केस, सॉरी कितना आर्स लेना चाहिए था माइनस कितना आर्स लिया, ठीक है। तो ओवरऑल कितना आर्स लेना चाहिए था माइनस कितना आर्स लिया। अगर फुल फॉर्म चाहिए कुछ ऐसा भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड टोटल आर्स आगे लिख सकते हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर चाहो तो, माइनस एक्चुअल टोटल आर्स वर्कड ऑब्वियसली फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये चीज हर एक जगह पर रहेगा, ठीक है। तो लेबर सब एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है? ओवरऑल कितना आर्स लेना चाहिए था माइनस कितना आर्स लिया, बाहर किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज वेज रेट, और उसके बाद वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, वहां पर भी बेटा ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, आउटसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस विल चेंज मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, बेटा ब्रैकेट तो सेम ही रहेगा, ओके वो तो एग्जैक्टली सेम ही रहता है, ओनली थिंग दैट विल बी चेंजिंग कि बाहर किसे मल्टीप्लाई कर देंगे एब्जॉर्प्शन रेट पर आर। तो ये तीनों केसेस के अंदर तुम्हारा जो ब्रैकेट है ना बेटा वो हमेशा सेम ही रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला, वट एवर विल बी चेंजिंग दैट विल बी वट एवर इज रिटर्न आउटसाइड द ब्रैकेट, ठीक है। तो याद रखना आपका प्रॉफिट वॉल्यूम और आपका सेल्स वॉल्यूम आर रिलेटेड इफ देर इज वन सिंगल प्रोडक्ट, योर प्रॉफिट क्वांटिटी एंड सेल्स क्वांटिटी आर रिलेटेड इवन इफ देर इज मोर देन वन प्रोडक्ट, और आपका लेबर सब एफिशिएंसी मतलब लेबर का लास्ट वाला वेरिएंस, फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस, सब जगह पर ब्रैकेट सेम ही रहता है। ब्रैकेट सेम रहता है मतलब कितना आर्स लेना चाहिए था किसके लिए एक्चुअल आउटपुट के लिए, और कितना आर्स लिया मतलब आर्स वर्क्ड, बस ये वाला डेटा सेम रहेगा। ऑब्वियसली जो बदलेगा दैट विल बी द डेटा आउटसाइड द ब्रैकेट। लेबर के अंदर वी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज वेज रेट, यहाँ पे वी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट पर आर, यहाँ पे वी स्टार्ट टू मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर आर, ठीक है। नाउ ये हो गया आपका एक चीज, अभी दूसरा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल्स मिक्स एंड प्रॉफिट मिक्स। यार ना मिक्स वेरिएंसेस टेक्स केयर ऑफ रेशियो, ऑब्वियसली अगर मैं सेल्स मिक्स और प्रॉफिट मिक्स का बात कर रहा हूँ तो मैं प्रोडक्ट्स के रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स किस रेशियो में बेचना चाहिए था किस रेशियो में बेचा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन के अंदर दो प्रोडक्ट्स ही हैं बस, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर दो प्रोडक्ट्स हैं तो सुनो, अगर प्रॉफिट मिक्स वेरिएंस फेवरेबल है सेल्स मिक्स वेरिएंस भी फेवरेबल है, उसका मतलब क्या है कि आपने रेशियो चेंज किया इन फेवर ऑफ दोस प्रोडक्ट्स जिनका प्रॉफिट ज्यादा था तो प्रॉफिट बढ़ गया, और जिन प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट ज्यादा था उनका सेलिंग प्राइस भी ज्यादा होगा, इसलिए सेल्स वाला भी जो वेरिएंस था वो फेवरेबल हो गया, ठीक है। तो यू हैव चेंज द रेशियो इन फेवर ऑफ दोस प्रोडक्ट्स विच हैव हायर प्रॉफिट, सेम प्रोडक्ट्स विच हैव हायर प्रॉफिट मस्ट बी हैविंग हायर सेलिंग प्राइस ऑल्सो, दिस इज वन थिंग। सेकेंड,
दोनों एडवर्स, उसका मतलब क्या है? You have changed the ratio in favor of those particular products which have lower selling price, and those products which have lower selling price must be having lower profit also. तो कंपनी ने वो वाले प्रोडक्ट्स के फेवर के अंदर रेशियो चेंज कर दिया जिनका सेलिंग प्राइस कम था, तो कंपनी का सेल्स कम हो गया और उन्हीं प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट भी कम होगा, तो कंपनी का प्रॉफिट भी कम हो गया. ठीक है. थर्ड, प्रॉफिट मिक्स वराइंस फेवरेबल लेकिन सेल्स मिक्स वराइंस एडवर्स. कंपनी ने रेशियो चेंज कर दिया इन फेवर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स विच हैव हायर प्रॉफिट बट लोअर सेलिंग प्राइस. इसलिए कंपनी का प्रॉफिट तो उठ गया लेकिन कंपनी का जो सेल्स है वो कम हो गया. कंपनी हैज चेंज द रेशियो इन फेवर ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विच हैव हायर प्रॉफिट बट लोअर सेलिंग प्राइस. एंड लास्टली, प्रॉफिट मिक्स वराइंस एडवर्स फेवरेबल. कंपनी हैज चेंज द रेशियो इन फेवर ऑफ दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विच हैव हायर सेलिंग प्राइस बट लोअर प्रॉफिट. तो कंपनी का सेल्स तो बढ़ गया बेटा लेकिन कंपनी का क्या कम हो गया? प्रॉफिट. ये चीजें आपको एनालिटिक्स के लिए काम में आता है. वेयर बाय सपोज कंपनी का ना सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है लेकिन तुमको पता चला सर प्रॉफिट हर साल कम हो रहा है, मतलब कंपनी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन सेल्स, ट्राइंग टू सेल दोज प्रोडक्ट्स मोर जिसका सेलिंग प्राइस ज्यादा है लेकिन उन प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट कम होगा. दिस हेल्प्स यू इन चेंजिंग योर स्ट्रैटेजीज एज सच. ओके, कि यार लेट्स ट्राई टू प्रमोट दोज प्रोडक्ट्स मोर जिनका प्रॉफिट ज्यादा है ताकि ओवरऑल वी ट्राई टू अर्न मोर. ओके, तो ये डेटा आपको उन चीजों के लिए काम में आता है. सो स्पेशली फॉर केस स्टडी क्वेश्चंस आपको ये वाला जो इंटरप्रिटेशन है बहुत काम में आएगा. ओके, दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर. वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे वील ट्राई टू टेक केयर ऑफ फ्यू ऑफ द लास्ट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ओके, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय.